श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दास जी बीएड कॉलेज में आप सभी छात्र और छात्राएं का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, कल हमने सेमेस्टर 5 TYBA में हिंदी मेलाचल उपन्यास की पात्र योजना भाग 2 के बारे में अभ्यास किया था। आज हम भाग 3 के बारे में अभ्यास करेंगे। मेलाचल उपन्यास की पात्र योजना भाग 3 ध्यान से चुने। रेणु जी ने धरती के भोले धरा पुत्रों को ही मेला आंचल के अपना पात्र नियुक्त किया है। उनके प्रायः समस्त पात्र निम्न एवं मध्यम वर्ग से लिए गए हैं। मेला आंचल के उच्च वर्गीय पात्रों में तहसीलदार विश्वनाथ, डॉक्टर प्रशांत, कमला आते हैं और मध्य वर्गीय पात्रों में बालदेव, बावनदास ठाकुर, रामकिरण, पाल सिंह, खेलावन सिंह, दुलार चंद कापरा, हरगौरी सिंह, लक्ष्मी, मंगला देवी, ममता, कालीचरण, ज्योतखी, सेवादास, रामदास, फुलिया, राम पियारी के चरित्र आते हैं। उपन्यास के अन्य पात्र किसी न किसी विचारधारा के प्रतीक है और उनको कहानी में लाया ही गया है। उस वाद को देखने के लिए कोई जातिवाद, कोई समाजवाद तो कोई स्वराज्य आंदोलन का झंडा बरकरार रहे। तो यहाँ रेणु जी ने जो यहाँ मेलाचल उपन्यास में जो भोले धरा पुत्रों की जो मेलाचल में अपना पात्र नियुक्त किया है, तो कई समस्त पात्र निम्न वर्ग हो या मध्य वर्ग हो, इसको लिया गया है रेणु जी ने मेलाचल उपन्यास में। उच्च वर्गीय पात्रों में जो बात की जाए तो उसमें तहसीलदार विश्वनाथ आते हैं और डॉक्टर प्रशांत और कमला आते हैं, और मध्यवर्गीय पात्रों में जो बात की जाए तो उसमें बालदेव, बावनदास आते हैं, ठाकुर रामकिरण पाल सिंह आते हैं, खेलावन सिंह आते हैं, दुलार चंद कापरा आते हैं, हरगौरी सिंह आते हैं, लक्ष्मी आती है, मंगला देवी भी आती है मध्यम वर्ग में, और ममता भी आती है, कालीचरण भी आती है, ज्योतकी भी आती है, सेवादास भी आती है, रामदास, फुलिया, रामपियाशी, कई पात्र है वो मध्यवर्गीय पात्र में उसका समावेश होता है। और उपन्यास के अन्य पात्र किसी न किसी विचारधारा के प्रतीक है और उनको कहानी में लाया ही गया है। उस वाद को देखने के लिए कोई जातिवाद, कोई समाजवाद तो कोई स्वराज्य आंदोलन का झंडा बरकरार है। आगे देखते हैं। मेला आंचल के नायक के रूप में एक युवा डॉक्टर प्रशांत है जो उच्च वर्गीय पात्र है। वह अज्ञात कुलशील स्नेहमयी नारी की छत्र छाया में तथा उपाध्याय परिवार के सानिध्य में पला है। प्रशांत टिपिकल पात्र है जो लेखक के विषयगत उद्देश्य की पूर्ति करता है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पिछड़े गांव को अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुनता है तथा इसी क्रम में ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन, दुख, दैन्य, अभाव, अज्ञान, अंधविश्वास के साथ साथ तरह तरह के सामाजिक शोषण चक्रों में फंसी हुई जनता की पीड़ाओं और संघर्षों से भी उसका साक्षात्कार होता है। और कथा अंत इस आशामय संकेत के साथ होता है कि युगों से सोई हुई ग्राम चेतना तेजी से जाग रही है। तो यहाँ रेणु जी ने मेलाचल उपन्यास में जो नायक की बात की है, तो यहाँ युवा डॉक्टर जो प्रशांत है वो नायक के रूप में सामने आते हैं जो एक उच्च वर्गीय पात्र के रूप में है। यहाँ अज्ञात कुलशील स्नेहमयी नारी की छत्र छाया में जो उपाध्याय परिवार के जो सानिध्य में पला है, तो डॉक्टर प्रशांत जो टिपकिल पात्र है जो लेखक के विषयगत उद्देश्य की पूर्ति भी करता है और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पिछड़े मेरीगंज गांव है तो यहाँ कार्यक्षेत्र के रूप में चुनता भी है तथा इसी क्रम में ग्रामीण जीवन के जो पिछड़ेपन है, दुख, दैनीय और अभाव है, अज्ञान है, अंधविश्वास के साथ साथ तरह तरह के जो सामाजिक शोषण चक्रों में जो फंसी हुई जनता यानी लोग हैं, इसकी पीड़ाओं को और संघर्षों भी उसका साक्षात्कार होता है। और अंत में आशामय संकेत के साथ साथ ऐसे युगों से कोई सोई हुई जो ग्राम चेतना है वो तेजी से जाग रही है और डॉक्टर प्रशांत है वो जगाने में सक्षम भी है। आगे देखते हैं। मुख्य पात्र डॉक्टर प्रशांत बनर्जी है।
बनर्जी है, जो कि पटना के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से पढ़ने के बाद अनेक आकर्षक प्रस्ताव ठुकरा कर विदेश जाने की बजाय मेहरीगंज में मलेरिया और काला अजहर पर शोध करने के लिए जाता है। डॉक्टर गाँववालों के व्यवहार से आश्चर्य चकित है उपन्यास के प्रमुख पात्र डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार के पुत्री कमला के कठिन शारीरिक और मानसिक रोग की चिकित्सा करते हैं। संपूर्ण गांव में हैजे का प्रकोप होता है, उस समय वे ग्रामवासियों को बचाने का भी प्रयास करते हैं। गांव के लोग डॉक्टर प्रशांत को देवता की तरह मानने लगते हैं। तहसीलदार की पुत्री कमला, जो हिस्टीरिया से ग्रसित है, उसका यथासंभव इलाज करते हैं, परंतु बाद में उनका कमला से प्रेम संबंध हो जाता है, कमला उनकी पत्नी बन जाती है, और लेकिन तथ्य यह है कि वह विवाह से पूर्व माँ भी बन जाती है। तो यहाँ मुख्य जो पात्र इस उपन्यास में है वो डॉक्टर प्रशांत बनर्जी है, और यही पटना के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ते थे, और बाद में आकर्षक प्रस्ताव को वो ठुकरा कर विदेश जाने की बजाय मेहरीगंज गांव में मलेरिया और काला अजहर को शोध करने के लिए वहां पर गए, और डॉक्टर गाँव वालों के व्यवहार से आश्चर्य चकित भी हो जाता है कि उपन्यास में यहां रेणु जी ने मुख्य पात्र के रूप में डॉक्टर प्रशांत और तहसीलदार की पुत्री कमला के कठिन शारीरिक और मानसिक रोग की चिकित्सा करते भी है, और संपूर्ण गांव में जो एक बीमारी है हैजे का, वो प्रकोप के बीमारी बन जाते हैं। उस समय वे ग्रामवासियों को बचाने के लिए डॉक्टर प्रशांत बढ़िया प्रयास करते हैं, और गांव के सभी लोग डॉक्टर प्रशांत को देवता की तरह मानने लगते हैं, और तहसीलदार की जो पुत्री कमला है वो भी हिस्टीरिया से ग्रसित है, बीमारी से वो ग्रसित है, उसका यथासंभव भी इलाज करते हैं, परंतु बाद में उनका कमला से प्रेम संबंध भी हो जाता है और कमला उनकी पत्नी बन जाती है, लेकिन तथ्य यह है कि वह विवाह से पूर्व माँ भी बन जाती है। आगे देखते हैं, डॉक्टर प्रशांत लोक सेवक है, राजनीतिक व्यक्ति नहीं, लेकिन वह कालीचरण को इसी रूप में संबंधित करता है, मत समझना कि संथालों की जमीन छुड़ा कर ही जमींदार संतोष कर लेगा। अब गांव के किसानों की बारी आएगी और तुमको तथा बालदेव जी को ही उन्होंने अपना पहला हथियार बनाकर इस्तेमाल किया है। वह तहसीलदार की बेटी से प्रेम करता है, उसे अपनी अर्धांगिनी बनाने वाला है, लेकिन उनके अन्याय का समर्थन नहीं करता। इसमें उसे कमली की नाराजगी भी परवाह नहीं है, अपनी इसी प्रगतिशीलता के कारण उसे जेल की हवा भी खानी पड़ती है। वह रूढ़ियों के नहीं मानता, और जो लोग गांव द्वारा तिरस्कृत है वह उनको सहारा देता है, उनके सच का साथ देने की और लोगों की सही राह बताने की यह आदत बाद में उसके लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। प्रशांत के चरित्रों में ग्राम्य प्रेम, प्रकृति से लगाव, मानवीय संवेदना, सेवाभाविक, आदर्शवादिता, स्पष्टवादिता, गंभीर प्रकृति, अध्ययनशीलता, जनसेवकता, आदर्श प्रेमी एवं संघर्षशीलता आदि गुण परिलक्षित देखने को मिलते हैं। तो यहाँ रेणु जी ने डॉक्टर प्रशांत के बारे में, जो लोक सेवक के बारे में बताया है, वो डॉक्टर प्रशांत है, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं, लेकिन वह कालीचरण को इस रूप में संबंधित भी करता है और कहता है कि मत समझना कि संथालों की जमीन छुड़ा कर ही जमींदार संतोष कर लेगा, अब तो गांव के किसानों की बारी भी आएगी, और तुमको तथा बालदेव जी को ही उन्होंने अपना पहला हथियार बनाकर इस्तेमाल किया है। तो यहाँ तहसीलदार की बेटी से प्रेम भी करता है, उसे अपनी अर्धांगिनी बनाने वाला है, लेकिन उनके अन्याय का समर्थन नहीं करता। इसमें उसे कमली की नाराजगी की भी परवाह नहीं है, अपनी इसी प्रगतिशीलता के कारण उसे जेल की हवा खानी पड़ती है। वह रूढ़ियों को नहीं मानता, और जो लोग गांव द्वारा तिरस्कृत है वह उनको सहारा देता है, उसके सच का साथ देने की और लोगों को सही राह बताने की यही आदत बाद में उसके लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। प्रशांत के चरित्रों में ग्राम्य प्रेम,
प्रकृति से लगाव, मानवीय संवेदना, सेवाभाविक, आदर्शवादिता, स्पष्टवादिता, गंभीर प्रकृति, अध्ययनशीलता, जनसेवक, आदर्श प्रेमी एवं संघर्षशीलता आदि जो गुण वो डॉक्टर प्रशांत में देखने को मिलता है और परिलक्षित होता है। हाँ, तो छात्रों और छात्राएं, आज हम TYBA में हिंदी मेला आंचल उपन्यास में जो पात्र योजना है वो भाग 3 के बारे में अभ्यास किया। यहाँ पात्र योजना है वो समाप्त होती है। अस्तु।